है ब्लॉग। सो आज जैसे आप लोगों ने मेरे मेरे ब्लॉग में देखा ही था कि मैं नेपाल आई हूँ, तो सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं, तो वही हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। चलो देख, अरे कैब आ चुकी थी एंड हम लोग कैब में बैठ गए थे एंड अंकल बहुत ही स्वीट थे, बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। सो बेसिकली हम लोग रह रहे थे काकरविता पे, जहाँ से कन्याम सिटी लाइक 1.5 घंटे का रास्ता है। तो अंकल बता रहे थे कि कैसा रास्ता है कैसा नहीं। सो जैसे हमारे असम में एक नागालैंड है ना, वैसा ही सेम रास्ता है एंड सेम प्लेस है, बट वहाँ पर ठंडी ज़्यादा है। सो 1.5 घंटे का रास्ता है, तो हम लोगों ने सोचा कि शायद पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर मम्मी को वॉमिटिंग वगैरह होगा। बट अंकल इतने कंफर्टेबल फील करा रहे थे ना, इतने अच्छे से जो कैब चला रहे थे कि क्या ही बताओ। मम्मी ने एक बार भी वॉमिटिंग नहीं किया, मम्मी इतने कंफर्टेबल से कार में बैठी थी कि क्या ही बताओ। सो अंकल बहुत अच्छे से कार चला रहे थे। कोई कोई होते हैं ना कि मतलब कार इस तरीके से मतलब घुमा घुमा के चलाते, बट अंकल बहुत ही स्वीट थे एंड बहुत अच्छे से कार चला रहे थे एंड हमें पता ही नहीं चला कब हम लोग पहाड़ के ऊपर पहुँच गए लिटरली। सो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप आगे देखोगे। फर्स्ट माता रानी के दर्शन करने के लिए आए थे। यहाँ पर जो मंदिर दिख रहा है ना, यहाँ पर और एक मंदिर है, बहुत ही ऊंचा मंदिर है, तो वहाँ पर चलते चलते ही लाइक 1 घंटा लग जाएगा, ऐसा रास्ता है, मतलब बहुत ऊंचा है। सो हम लोगों ने आधा मंदिर ही दर्शन किया, ऊपर हम लोग नहीं गए। यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक किया एंड वहाँ पर जो जगह दिख रहा है ना पहाड़, वहाँ पर मंदिर था माता रानी का, तो मेरे से तो नहीं होगा बिल्कुल भी, तो हम लोग नहीं गए। सो गाइस, अभी अभी जस्ट हम लोग मंदिर का दर्शन किए हैं एंड अभी कहीं और घूमने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा, जहाँ पे हम रह रहे थे वहाँ का मौसम इतना गर्मी, यहाँ पर इतना फ्रेश फील हो रहा है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका ना बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है तो मैं रिया के मोबाइल से बना रही हूँ। सो आई जस्ट लव दिस प्लेस, बहुत ही अच्छा है, लग ही नहीं रहा कि हम लोग इंडिया से बाहर है। सो या चलो, अगर आगे और कहीं जाते हैं तो हम लोग आपको दिखाएंगे। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस पे एंड यहाँ पर ये चाय की खेती लाइक पूरा आसाम वाला वाइब दे रहा है, लग ही नहीं रहा है कि हम लोग इंडिया से बाहर है। सो यहाँ पर पूरा चाय की खेती होती है, लोग अपना पर्सनल खेती करते हैं। यहाँ के लोग सब बाहर से कुछ भी नहीं खाते हैं, खुद का ही लाइक फार्म करते हैं एंड खाते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, हम लोगों की तरह इतना वीक नहीं होते। उसके बाद ये वाला प्लेस तो और भी सुंदर था, इतना ज़्यादा हवा चल रही थी कि लाइक हवा उड़ा के लेके चला जाएगा कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था। देखिए अब हवा कितना ज़्यादा है। सो हम लोग ऊपर जा रहे थे, यहाँ में बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों ने क्लिक किया एंड यहाँ पर एक लाइक शीशा का, जो जैसे चाइना में है ना शीशा का एक ब्रिज, वो था, उसमें इतना ज़्यादा हमें डर लग रहा था कि क्या ही बताओ। तो अभी हम लोग स्काई वॉक पे जाएंगे एंड मैं तो थक गई इतना ज़्यादा सीढ़ी चढ़ चढ़ के। यहाँ पर चढ़कर इंसान थक गया और यहाँ पे लोग स्वेटर पहनेंगे, ऐसा मौसम है, बाप रे मैं तो थक गई ऊपर चढ़ते चढ़ते। वही तो ब्लॉग बना रहे, तो पर पर्सन 200 करके लेते हैं एंड यहाँ पर आप लोगों को जितना भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करना है तो दिया सेलर से वो क्लिक करके दे देंगे। यहाँ पर मम्मी पापा फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किया, आप लोग हमारा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो। लोगों को बहुत भूख लगी थी तो हम लोग पहुँच गए थे रेस्टोरेंट, नाम था थकाली किचन एंड बार एंड थकाली मीन्स क्या है मुझे नहीं पता, नेपाली में कुछ मीनिंग होगा। सो यहाँ का अंदर का व्यू बहुत ही सुंदर, लाइक डोरेमोन में जैसे नीचे बैठ कर खाते नहीं थे वैसा भी एक प्लेस था, बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड यहाँ का खाना भी टेस्टी था, पूरा ट्रेडिशनल नेपाली थाली था, बट मुझे एक टैंगीनेस सा लगा, लाइक खट्टा खट्टा सा, ये लोग ऐसे ही खाते होंगे बट मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा लगा खट्टा खट्टा एंड मुझे पर्सनली खट्टा वाला खाना उतना पसंद नहीं है। मम्मी पापा को सबको बहुत पसंद आया, इसमें था राइस, दाल, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, चटनी, टमाटर की चटनी, पापड़, पनीर की सब्जी एंड रहर की दाल, बहुत कुछ था, बस मुझे थोड़ा खट्टा खट्टा लगा, वैसे तो बहुत टेस्टी खाना था।
पीना खाकर पेट भरकर फिर हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे गए जो कि ये था। एंड यहाँ पर पूरा चाय की खेती हो रखी थी एंड यहाँ पर बहुत बड़ा सा कन्याम लिखा हुआ था एंड लोग यहाँ पर टिकटॉक बना रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी टिकटॉक को। यहाँ पर नेपाल तो इंडिया से बाहर है ना, ये लोग यहाँ पर ट्रेंडिंग टिकटॉक बना रहे थे। मुझे बहुत याद आ रही थी, पुरानी बातें याद आ रही थी कि मैं कैसे टिकटॉक बनाती थी। एंड मेरा शक्ल देखो गाइस कितना बर्बाद हो गया है लाइक हवा से। मुझे ना अपना हेयर टाइड अप करके आना चाहिए था, मेरे बालों का कोई हालत ही नहीं था। एंड गाइस आप मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग टिकटॉक मिस कर रहे हो कि नहीं। मुझे इंस्टाग्राम से ज़्यादा लाइक टिकटॉक बहुत ही पसंद था। लाइक मुझे उसमें वायरल होने में मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती थी, लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। इतना सारा हम लोगों ने ट्रांजिशन वीडियोज़ बनाया था, सब कुछ चौपट हो गया है, बट नेपाल में टिकटॉक चलता है। सो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। हमारा लास्ट प्लेस था, यहाँ पर लाइक ट्रेडिशनल नेपाली ड्रेसेस भी मिल रहे थे पहनने के लिए, बट हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हम लोगों ने नहीं पहना पता नहीं क्यों। सो ये हमारी गलती थी, हम लोग कहीं गए वहाँ का एक मेमोरी लेकर आना था। छोड़ो क्या ही कर सकते हैं, गलती सबसे होती है, तो छोड़ो। अब हम लोग अपना होटल जा रहे थे एंड देन हम लोगों ने रास्ते में शॉपिंग भी की थी, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस लिए थे हम लोगों ने। यहाँ का शाम का व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल है, हम लोग आकर बाहर ही बैठे हुए। गाइस वी आर बैक होम एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए ड्रेस वेस चेंज करके हम वीडियोस बना रहे हैं। एंड बहुत शाम हो गई, हम लोग निकले थे 12 बजे एंड अभी बज रहे हैं शाम के, बहुत लेट हो गया। एंड बहुत अच्छा जगह था, लाइक अगर आप नेपाल आ रहे हैं एंड अपना आइज वगैरह चेकअप कराने आ रहे हैं तो डू विजिट कन्याम, बहुत ही अच्छा प्लेस है एंड इतना रिफ्रेशिंग है ना, पूरा मतलब पहाड़ी इलाका है एंड बहुत सुंदर है, टूरिस्ट लोग के लिए भी और भी अच्छा है। एंड इतना अच्छा मौसम है वहाँ पर, इतना ठंडा है एंड बहुत सुंदर सुंदर जगह है वहाँ पर। 4-5 प्लेस आप आराम से विजिट कर सकते हो अगर आप अपना पर्सनल गाड़ी लेकर जा रहे हो तो। हम लोग ने एक बुकिंग किया था, बुकिंग का मैक्सिमम आपको 3,000 तक में पड़ेगा। सो डू विजिट, अगर आपको होटल वगैरह भी लेना है तो हम लोग यहाँ पर होटल का डिटेल्स डाल देंगे। अगर आप अपना कहीं से भी, आप आसाम से आ रहे हो या कहीं और देश से आ रहे हो तो अगर आपको यहाँ पर नेपाल में आना है तो मिसी नेत्रालय के सामने ही आपको बहुत अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। सो ये माँ कामाख्या होटल है जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, ये माँ कामाख्या होटल है, बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खाना वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है। सो बजट में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर सच मोर वीडियोस। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।